सभी लोग जानते स्कूटर है एसटी, आईक्यूब एसटी, जिसको लोगों का बहुत टाइम से इंतजार था। फर्स्ट टाइम यहां ऑटो एक्सपो 2023 में कंपनी लेकर आई है आईक्यूब एसटी। अब आईक्यूब एसटी में क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रंट के पोर्शन की बात करूं तो फ्रंट पर जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो ना, ये यहाँ पर जो एलईडी लाइट दी गई है जिससे क्या है ना स्कूटर काफी खूबसूरत नजर आता है। वहीं यहाँ पर भी जो ये लाइट दी गई है जिससे क्या है ना कि काफी यूनिक, काफी अलग डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये यहाँ पर साइड में इंडिकेटर्स आ जाते हैं, तो ये मेन लाइट हो जाती है जो कि एलईडी के साथ में आ जाती है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फ्रंट टायर साइज जो है वो मिल जाता है 90x90 सेक्शन का, 12 इंचेस आ जाता है। डिस्क के साथ में और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल व्हील नहीं डिजाइन किए गए हैं बल्कि यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं, जिससे क्या है ना जब आप रोड पे लेके निकलते हो तो स्कूटर और भी देखने में अट्रैक्टिव नजर आता है। फिट एंड फिनिश की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे फिट एंड फिनिश काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन मुद्दे की चीज ये है कि आखिर इसकी रेंज कितनी है, तो ओवरऑल इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो 140 किलोमीटर रेंज जाती है सिंगल चार्ज पे, यानी एक बार आप चार्ज कर लेते हो तो 140 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पर ट्रू रेंज हो जाती है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कंपनी कुछ भी बोल रही है लेकिन ये ट्रू रेंज है। ऐसे तो रेंज बहुत ज़्यादा जाती है। और अगर आप इसको, इसमें दो मोड मिल जाते हैं, एक तो इको मोड आ जाता है और पावर मोड आ जाता है। अगर आप इको मोड पर चलाते हो तो 140 रेंज मिल जाती है, और अगर आप पावर मोड पर चलाते हो तो पावर मोड पर इसकी मैक्सिमम स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर की। और इसके अलावा दोस्तों है क्या कि जो इसकी रेंज है वो 100 किलोमीटर की पावर मोड पर चली जाएगी। ये चीज़ अच्छी है, मतलब कि आप पावर मोड पर दिन भर चलाते रहो और रेंज भी आपको बेहतर मिल जाएगी, यानी 100 किलोमीटर की रेंज भी पावर मोड पर काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। साथ में है क्या कि टीवीएस के जुपिटर में हो या एंटॉर्क में हो ढेर सारा स्पेस देखने को मिलता है, उसी तरह आईक्यूब में भी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना जैसे जुपिटर 125 में कंपनी ने बड़ा सा स्पेस दे रखा है, वैसे ही यहाँ पर भी जो आईक्यूब एसटी में भी बड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है। दो हेलमेट आ जाएंगे आराम से और यहाँ पर एक चार्जर भी दिया गया है, तो जहाँ पर आप क्या है कि मोबाइल वगैरह कुछ भी चार्ज करना चाहो तो वो यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। 31 लीटर का बड़ा सा यहाँ पर बूट स्पेस दिया गया है। ओवरऑल अगर आप इसकी डिज़ाइन देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। साइड में आईक्यूब की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। सीट की बात करें तो जिस तरह से आपको जुपिटर की सीट देखने को मिलती है वैसी कुछ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। मैं बार बार जुपिटर का नाम क्यों ले रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, लेकिन जुपिटर का नाम लेने की ये वजह है कि वो एक सक्सेसफुल स्कूटर है, लोगों ने खूब पसंद किया है, अभी भी उसको खूब पसंद किया जा रहा है। तो कंपनी चाहती है कि जो लोग अब इलेक्ट्रिक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको भी उनको यहाँ आईक्यूब पसंद आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, 17 समथिंग सेंटीमीटर्स का आ जाता है। लेकिन खास चीज़ ये है कि इस आईक्यूब एसटी में ये यहाँ पर टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अदर आईक्यूब आते हैं यानी आईक्यूब और आईक्यूब एस आते हैं उससे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बेहतर देखने को मिल जाती है। तो है क्या कि यहाँ पर काफ़ी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप इस व्हीकल को आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर पाते हो, साथ में क्या है कि एलेक्सा से आप भी कनेक्ट कर पाते हो, जहाँ पर क्या है कि आप उससे पता कर सकते हो कि कितना अभी टाइम लगेगा चार्जिंग में, और भी सारी चीज़ें हैं, कई सारे कमांड्स आप दे सकते हो। वॉइस असिस्ट का भी फीचर दिया गया है, HMI यहाँ पर HMI स्विच दिया गया है जिससे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वगैरह सेव कर सकते हो, और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक TPMS का फीचर भी मिल जाता है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आ जाता है, जैसे फ्रंट पर टायर पे कितना प्रेशर है, रियर पर कितना है, वो सारा आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो मैं इसको यहाँ पर जो यूज़ कर पा रहा हूँ ना, इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, मतलब क्विक रिस्पांस देखने को मिलता है। साथ में है क्या कि आप यहाँ पर अपना वॉलपेपर लगा सकते हो, यानी अपनी फ़ोटो आप लगा सकते हो, और इसमें ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, तो ये सारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है, इवन जो यहाँ पर स्विचेस वगैरह भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कंपनी ने डिज़ाइन किया है। अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो जो फास्ट चार्जर है उससे लगभग 2.5 घंटे के आसपास, यानी 2.30 मिनट्स के आसपास में आप चार्ज कर सकते हो। और नॉर्मल चार्जर भी दिया गया है जिसमें आप लगभग 4.5 घंटे में स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। तो ये थी आईक्यूब एसटी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। बाकी मिलते हैं।